क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने बैंक ऑफ कनाडा के सूद की शरह के फैसले को खुशामदी रिलीफ करार दिया। बैंक ऑफ कनाडा ने शरह सूद को 5% पर बरकरार रखा। वजीर खजाना का कहना है कि मैं बैंक ऑफ कनाडा की आज़ादी का मुकम्मल एहतराम करती हूँ। टोरंटो में कई दिनों से जारी गर्मी की वार्निंग खत्म कर दी गई। ऑटावा समेत सूबे के कुछ हिस्सों में गर्मी की कुछ वार्निंग बरकरार। हफ्ते के रोज मौसम खुशगवार रहने की पेशगोई। कनाडा के कारोबार और मसनूआत को फरोग देने का अज़म। कैनेडियन वजीर आजम का दौरा सिंगापुर। जस्टिन ट्रूडो का आसियान इंडो पैसिफिक फोरम से खिताब। ट्रूडो का कहना था कि कनाडा में साफ तवानाई है जिसकी दुनिया मुंतकली में मदद करने की जरूरत है। अफगानिस्तान में जंगी साजो सामान अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने छोड़ा। अमरीका का कहना है कि अफगानिस्तान से TTP के हाथ लगा असलहा अमरीका का नहीं। जंगी तरबियत के मिशन के दौरान अमरीकी असलहा अफगान फौज के हवाले किया था। सऊदी वली अहद और रूसी सदर का रब्ता। तवानाई मार्केट में इस्तेहकाम पर इत्तेफाक। ब्रिक्स इजलास और इत्तेहाद में सऊदी अरब के शमूलियत के मामले पर भी तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का तेल की पैदावार में कमी लाने का इम्कान। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के विफाकी वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने बुध के रोज बैंक ऑफ कनाडा के शरह सूद के फैसले पर आवामी रद्द अमल जारी किया। फ्रीलैंड ने एक गैर मनकूल मीडिया बयान में कहा कि बैंक ऑफ कनाडा का अपनी रातों रात सूद की शरह को बरकरार रखने का फैसला कैनेडियंस के लिए खुशाइन रिलीफ है। उन्होंने मरकजी बैंक की आज़ादी पर दोबारा जोर देने का एक नुकता भी बनाया। उन्होंने कहा, बतौर वजीर खजाना मैं बैंक ऑफ कनाडा की आज़ादी का मुकम्मल एहतराम करती हूँ क्योंकि ये महंगाई को हदफ पर वापस लाने के लिए अपने मैंडेट को फराहम करता है। उनका ये बयान एक हफ्ते के बाद सामने आया है जब बैंक को मुल्क के 3 वज़राए आला की जानिब से गैर मामूली और आवामी सियासी दबाव का सामना करना पड़ा, जिसमें शरह सूद में इजाफे को रोकने का मुतालबा किया गया। ऑन्टेरियो के BC प्रीमियर डेविड एबी, प्रीमियर डकफोर्ड और न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर के प्रीमियर एंड्रयू फ्यूरी ने सभी ने बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर टिप मैकलम को खतूत भेजे, जिसमें दावा किया गया कि बढ़ती हुई शरहें जिंदगी की लागत के बहरान को मजीद खराब कर रही हैं। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फ्रीलैंड से पूछा गया कि क्या ये मुनासिब है कि सियासतदानों को बैंक ऑफ कनाडा के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते देखा जाए। उन्होंने कहा, मैं अपने लिए बात करने जा रही हूँ। मेरा एक बहुत ही ख़ास काम है और एक बहुत ही ख़ास किरदार है। मैं वजीर ख़जाना हूँ। उन्होंने कहा, इसका मतलब ये है कि बैंक ऑफ कनाडा की आज़ादी की हिमायत करना वाकई मुझ पर फ़र्ज़ है। मरकजी बैंक ने गुज़िश्ता 18 माह के दौरान 10 बार शरह में इजाफा किया है। क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि अफरात-ए-ज़र जून 2022 में 8.1% की चोटी से गिरकर इस साल जुलाई में 3.3% पर आ गया है। ताहम अफरात-ए-ज़र को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बुलंद शरह सूद कैनेडियंस पर बहुत ज़्यादा वजन रखती है। कनाडा के शहर टोरंटो और जनूबी ऑन्टेरियो के बेशतर हिस्सों में कई दिनों से जारी गर्मी की वार्निंग कई दिनों से बढ़ते हुए दर्जा हरारत के बाद ख़त्म हो गई है। एनवायरनमेंट कनाडा ने पहली बार टोरंटो और GTA के ज़्यादातर हिस्से में हफ्ता 2 सितंबर को गर्मी की वार्निंग जारी की। इस मौसम गर्मा में दर्जा हरारत और ह्यूमिडेक्स बढ़ने की वार्निंग दी गई। ये कुछ अरसे में GTA में मौसम के गर्म तरीन हिस्सों में से एक था। जुलाई में 30 से ज़्यादा दर्जा हरारत के 5 दिनों के मुकाबले में अगस्त में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तक पहुंचने में कोई दिन नहीं थे।
एनवायरमेंट कनाडा ने कहा कि गर्म और मरतूब मौसम हवा के मयार में बिगाड़ ला सकता है, जिसके साथ एयर क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स आला खतरे वाले जमरे के करीब पहुंच रहा है। ऑटावा समेत सूबे के कुछ हिस्सों में गर्मी की कुछ वार्निंगें बरकरार हैं। अगरचे टोरंटो मुमकिन तौर पर 40 सेंटीग्रेड की तरह महसूस होने वाले दर्जा हरारत के एक और मरतूब दिन से बच जाएगा, लेकिन अगले 48 घंटों में यह अब भी गर्म रहेगा। जुमेरात को शहर में ज़्यादा से ज़्यादा 26 सेंटीग्रेड की तवक्को है। यूमिडेक्स की कदरों से ये 35 सेंटीग्रेड की तरह महसूस होता है। अलग थलग तूफान और बारिश का खतरा है। जुमे को दर्जा हरारत और भी गिर जाएगा, जिसकी पेशन गोई ज़्यादा है। 25 सेंटीग्रेड और यूमिडेक्स की कदरें इसे 31 सेंटीग्रेड के करीब महसूस करेंगी। हफ्ते के अख्तिताम पर बारिश का हल्का सा इम्कान है। धूप वाले आसमान और 24 सेंटीग्रेड की पेशन गोई के साथ हफ्ते का दिन हफ्ते का सबसे खुशगवार दिन लगता है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कनाडा के कारोबार और मसनूआत को फरोग देने के लिए सिंगापुर के दौरे के साथ इस हफ्ते हिंद बहरुल काहिल के खित्ते का दौरा जारी रखे हुए हैं। उनके दो रोज़ा दौरे में खित्ते के कारोबारी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों के अलावा सिंगापुर के वजीर आजम से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। ट्रूडो इस हफ्ते तजारत के साथ साथ कैनेडियन तवानाई और मसनूआत को फरोग देने, इंडो पैसिफिक रहनुमाओं से मुलाकात और दो सरबराही इजलासों में शिरकत के लिए एशिया में है। सिंगापुर के दौरे जकार्ता इंडोनेशिया में रुकने के बाद आया है, जहां कनाडा ने जुनूब मशरकी एशियाई ममालिक की एसोसिएशन के साथ एक स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का आगाज़ किया। शराकत दारी को एक अलामती इशारा समझा जाता है, जो कि हिंद बहरुल काहिल के खित्ते में कनाडा की तौसीई मौजूदगी की अक्कासी करता है। ट्रूडो ने कहा कि ये आसियान के 10 ममालिक के साथ आज़ादाना तिजारत के माहदे पर होने वाली पेशरफ को जाहिर करता है। कनाडा ने बुध को 10 जुनूब मशरकी एशियाई ममालिक के साथ एक मुश्तरका बयान जारी किया, जिसमें आलमी गजाई अदम तहफ़ और गजाई ज़रूरियात से निमटने के अज़म का इजहार किया गया है। यह वजीर अजम जस्टिन ट्रूडो के इंडो पैसिफिक खत्ते में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन की लचक पर सरमायाकारी करने के अज़म का हिस्सा है। उन्होंने आसियान इंडो पैसिफिक फोरम में तकरीर की। उनका कहना है कि कनाडा खत्ते के अंदर काबिल तजदीद तवानाई, पायदार तवानाई और पानी के मंसूबों में सरमायाकारी पर मरकूज है। ट्रूडो ने कनाडा को कुदरती वसायल जैसे खाद और अहम मादियात के काबिल भरोसा फराहम कुनंदा के तौर पर भी पेश किया। कहा कि कनाडा के पास साफ तवानाई है, जिसकी दुनिया को अपनी सब्स तवानाई की मुंतकली में मदद करने की ज़रूरत है। अपने मुश्तरका बयान में जुनूब मशरकी एशियाई ममालिक की एसोसिएशन का कहना है कि वो खुराक की तजारत में सप्लाई को बरकरार रखने के लिए कनाडा के साथ मिलकर काम करेंगे। इस हफ्ते के आखिर में वो नई दिल्ली में G20 सरबराही इजलास के लिए हिंदुस्तान जाएंगे। अमेरिका ने कहा है कि अफगानिस्तान में जंगी साजो सामान अमेरिका ने नहीं बल्कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने छोड़ा था। अमेरिका की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कलदम जमात TTP के जेर इस्तेमाल अमरीका का असलहा होने की तर्दीद करते हुए कहा कि अफगानिस्तान से जाते हुए ऐसा कोई असलहा नहीं छोड़ा जो किसी के काम आ सके। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी खतरात पर मिलकर काम करेंगे। सदर बाइडन को एहसास है कि पाकिस्तान को अभी बहुत खतरात का सामना है। अमरीकी खबर इदारे के मुताबिक कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन किर्बी से प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तानी सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि क्या इनखिला के वक्त अफगानिस्तान में अमरीका ने अपना $7 अरब का असलहा छोड़ा जो तहरीक तालिबान, पाकिस्तान, दाइश और अलकायदा के जंगजुओं के हाथ लगा है। मुशीर कौमी सलामती जॉन किर्बी ने कहा कि अफगानिस्तान से इनखिला के वक्त अमरीकी फ़ौज ने सिर्फ चंद जहाज और मामूली साजो सामान छोड़ा जो काबिल इस्तेमाल हालत में नहीं थे। आग बुझाने के आलात भी छोड़े थे। सवाल के जवाब में जॉन किर्बी ने कहा कि अमरीका ने अफगान फ़ौज की जंगी तरबियत की थी और इस मिशन में जदीद असलहा अफगान फ़ौज के हवाले करना भी शामिल था। जब तालिबान ने इक्तदार संभाला तो अफगान फ़ौज ने अमरीकी हथियार डाल दिए, अमरीकी अफवाज ने ऐसा नहीं किया। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती ने यह भी कहा कि अमरीका ने ऐसा कोई असलहा नहीं छोड़ा जो कलदम तहरीक तालिबान, पाकिस्तान के हाथ लगा हो। अलबत्ता आग बुझाने के आलात तालिबान को मिले जो रेस्क्यू के काम आ रहे हैं। अमेरिका के मुशीर कौमी सलामती से जब ये पूछा गया कि सदर बाइडन ने पाकिस्तान को चंद माह कबल एटमी हथियार रखने वाले खतरनाक तरीन ममालिक में से एक करार दिया था तो उन्हें किस बात का खदशा था, जिस पर जॉन किर्बी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों से आगाह हैं और ये भी जानते हैं कि पाकिस्तानी आवाम खुद दहशतगर्दी का शिकार है और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के साथ सरहदी इलाकों से हमलों का खदशा है। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती ने कहा कि यह बहुत बड़ा खतरा है जो पाकिस्तान के आवाम को अब भी लाहक है, ये कोई मामूली खतरा नहीं। सदर बाइडन इस बात को समझते हैं
और इसलिए हम पाकिस्तान के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने राब्ते में तवानाई की आलमी मंडी में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरक कोशिशों को जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रोज टेलीफोन पर राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोन पर होने वाले राब्ते में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ शोबों में नए मौके तलाश करने पर भी इत्तेफाक किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हालिया ब्रिक्स इजलास और इत्तेहाद में सऊदी अरब की शमूलियत के मामले पर भी तबादला ख्याल किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक तेल की आलमी मंडी के लीडर सऊदी अरब और रूस ने मंगल के रोज तवानाई की आलमी मंडी में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए तेल की सप्लाई में रजाकाराना कमी लाने का ऐलान किया था। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान राब्ते के बाद रूस अपनी तेल की पैदावार में योमिया 3 लाख बैरल जबकि सऊदी अरब अपनी तेल की पैदावार में योमिया 10 लाख बैरल कमी लाएगा।